मैं सगीर अहमद, रसायन विज्ञान की कक्षा में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपको छठे प्रकार की रासायनिक क्रियाएं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं और ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के बारे में विस्तार से आपको पढ़ाऊंगा। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाओं को इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट होती है, ऊष्मा क्षेपी में ऊष्मा का मतलब होता है गर्माहट से और क्षेपी माने निकलने वाली। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा निकलते हैं, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। परिभाषा मैं आपको लिख देता हूं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। आपने ध्यान दिया होगा, जो सफेदी करने वाला चूना होता है, जो बाजार से खरीद कर आते सफेदी करने के लिए, उसका कहते हैं बिना बुझा चूना। नाम होता है इसका कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। हम क्या करते हैं, चूने को लाने के बाद उसको पहले पानी में डालते हैं, पोताई करने से पहले, सफेदी करने से पहले पानी में अंदर डालेंगे। जैसे इसके अंदर हम पानी डालते हैं तो उसमें बुदबुलाहट होती है और वो बर्तन बहुत तेजी से आपका गर्म हो जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड जल से रिएक्शन करता है और आपका CaOH+ के ऊष्मा, बहुत मात्रा में ऊष्मा निकलती है, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा चूना। वो मैं आपको आगे आने वाली रिएक्शन में बताऊंगा कि बुझे चूने से सफेदी की जाती है, और ये सफेदी जब ये सूख जाता है तो सूखने बाद कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसका रंग सफेद होता है। आपने देखा होगा जब दीवार को हम पोताई करते हैं तो पहले दीवारें कैसी होती है, पानी जैसी होती है, उसके थोड़ी देर पश्चात यदि वो सूखती जाती है सफेद होती चली जाती है। तो ये कौन सी क्रिया थी, ये बिना बुझा चूना पर कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बाजार से खरीद लाते हैं बिना बुझा चूना, और इसको जैसे ही पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद चूना बुझ जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और इसमें बहुत तेजी से ऊष्मा निकलती है। आपने ध्यान भी दिया होगा कि बर्तन बहुत तेजी से गर्म हो जाता है, यदि प्लास्टिक के बर्तन हम इसे घोल रहे होते हैं तो प्लास्टिक का बर्तन फट जाता है या पिघल जाता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होती है ऊष्मा शोषी, इसका जस्ट उल्टा होगा, इसमें ऊष्मा निकल रही है और इसमें क्या होगी, ऊष्मा अवशोषित होती है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं अथवा एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सभी अपघटन क्रियाएं तापीय अपघटन। अभी मैंने आपको पढ़ाया था पहली वीडियो में कि अपघटन तीन प्रकार होता है, तापीय अपघटन और विद्युत अपघटन होता है और एक होता है प्रकाश अपघटन। तो तापीय जितनी भी तापीय अपघटन की क्रिया बताई थी, सभी तापीय अपघटन क्रियाएं कैसी होती है, आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती है।
जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे आपने ध्यान दिया होगा, ये उदाहरण देखें आपका, प्रयोगशाला में क्लोरीन को ऑक्सीजन गैस बनाने के लिए उसमें क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट होता है, KCl3 होता है पोटेशियम क्लोरेट का, और इसको गर्म करते हैं तो ये क्या बनता है, 2KCl पोटेशियम क्लोरेट बनता है और ऑक्सीजन निकलते हैं, तीन परमाणु किसके बनते हैं, ऑक्सीजन के बनते हैं। तो यहां पर ये क्रिया आपकी गर्म करने पर हुई, यानी ऊष्मा का शोषण हुआ, जब ये क्रिया को हमने गर्म किया ऊष्मा ली गई तब आपकी क्रिया होती है। इस प्रकार की क्रिया को कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इसके अलावा देखो इसका उल्टा करते हैं हम, CaOH twice ये बुझा हुआ चूना है, इसको जब गर्म कर दें, केवल सूखा गर्म कर दें, बुझा बुझे चूने को सूखा गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा CaO और प्लस के आपका जल बन जाता है, जल मिश्र निकल जाता है और ये आपका बिना बुझे चूना रह जाता है। इन दोनों अभिक्रियाओं में आपने देखा कि इनको गर्म ऊष्मा देने की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसलिए इसको ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। धन्यवाद।